हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड एक बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है जो एग्जाम होने वाला है यूपी टीजीटी पीजीटी का पर्टिकुलरली और आगे जाके और भी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक एरियाज हम लोग कवर करेंगे इन वीडियोस में और आज के हमारे इस वीडियो में हमने जो मैथ वाला पार्ट है उसका एक प्रैक्टिस सेट एक्चुअली कवर करा है मार्केट uh, में मोस्टली ऑथेंटिक uh, जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं अवेलेबल नहीं है तो इसमें हमने कुछ ओरिजिनल क्वेश्चंस जो कि रेलेवेंट है इसके लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने इसमें कवर करे हैं कि आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं कैसे उनको अप्रोच कर सकते हैं तो वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं हमने एक क्वेश्चन का जो सेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं तो ये हमने मैथ्स वाले पार्ट से लिए हैं आपका जो मेन सब्जेक्ट होने वाला है उसके अलावा भी तीन और डोमेन्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आने वाले हैं एक है इंग्लिश दूसरा है क्वांटिटेटिव एबिलिटी और तीसरा है जनरल नॉलेज तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी से कितने क्वेश्चंस एक्चुअली आएंगे ये किसी को नहीं मालूम है बट जो क्वेश्चन आएंगे उनका आइडिया हम लोग लगा सकते हैं और कैसे आपने उन्हें सॉल्व करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो इस वीडियो में हम पेन और पेपर का यूज नहीं करेंगे हम सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आपको कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं और फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं तो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर वन है वो uh, कैसे आपने उसको पढ़ना है और समझना है वो इसमें देखने वाली बात है तो क्वेश्चन है सुमित कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ सिक्स किलोमीटर्स पर आर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ थ्री किलोमीटर्स पर आर तो सुमित ने एक निश्चित दूरी को छ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया और वो तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आया उसी दूरी को कवर करने के बाद अब क्वेश्चन है फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दी होल जर्नी तो ये आपने फाइंड आउट करना है दो चीजें इसमें दी हुई हैं जो डिस्टेंस है वो एक निश्चित दूरी है जो बताया गया है एक नंबर दिया गया है कि जिस स्पीड से वो गया और वापस लौटते हुए वो किस स्पीड से आया अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने पेन और पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है सबसे पहले आप क्योंकि दूरी जो है वो निश्चित है आप अज्यूम कर लीजिए उस डिस्टेंस को तो हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मान लेते हैं कि वो छह किलोमीटर की वो दूरी थी छ किलोमीटर तो वो छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो टोटल टाइम उसका लगेगा वन आवर सेम डिस्टेंस उसने लौटते हुए पूरी करी तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो अगर आप तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छह किलोमीटर आपने जाना है तो आपको लगेंगे टोटल दो घंटे उसमें तो टोटल उसने जाते हुए छह किलोमीटर की दूरी तय करी आते हुए भी उसने छह किलोमीटर की दूरी तय करी टोटल डिस्टेंस हो गई इसमें बारह किलोमीटर और जो टाइम उसने लिया वो टाइम उसने लिया एक घंटा जाने में उसको लगा और दो घंटे उसको आने में लगे तो आप उसको सीधा सीधा थ्री आवर्स उसको लगे और 12 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने पूरी करी 12 को जब आप तीन से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इसमें चार घंटे तो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप सीधा सीधा छह और तीन को जोड़ने के बाद उसको दो से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए वैसे इसका आंसर नहीं आता है और वैसा बिल्कुल भी आपने नहीं इसमें करना है तो ये आपने ध्यान से इसको अप्रोच करना होगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू भी जो है वो स्पीड और डिस्टेंस से लिया गया है क्वेश्चन आप ध्यान से पहले पढ़िए अशोक कवर्स ट्वेंटी परसेंट डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर्स पर आवर नेक्स्ट थर्टी परसेंट डिस्टेंस एट थर्टी किलोमीटर्स पर आवर एंड रेस्ट ऑफ द फिफ्टी परसेंट डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ फिफ्टी किलोमीटर पर आवर तो अशोक ने 20 प्रतिशत दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया बाकी उसके आगे वाली 30 परसेंट दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने पूरा किया और जो सबसे लास्ट बची 50 परसेंट डिस्टेंस है उसको उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा किया अब इसमें तीन नंबर अलग अलग दिए गए हैं थोड़ा लंबा यह लिखा हुआ है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है आपने बाकी फॉर्मूले में ना पढ़ के यहाँ पे भी आपने चुकी वो डिस्टेंस इसमें नहीं दी गई है हमें वो फाइंड आउट करनी होगी, तभी हम उसका जो है टाइम निकाल पाएंगे जो उसकी एवरेज स्पीड इसमें निकाल पाएंगे तो हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से आप कुछ भी अज्यूम कर ले कर सकते हैं हमने अज्यूम किया कि वो टोटल डिस्टेंस थी हंड्रेड किलोमीटर क्योंकि 20 प्लस 30 सॉरी uh, 20 किलोमीटर पर आर प्लस 30 किलोमीटर पर आर प्लस 50 किलोमीटर पर आर इज इक्वल्स टू 100 टोटल uh, एक नंबर आता है हमने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस एज्यूम कर ली उसके बाद 20 डिस्टेंस उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा करा यानी 100 किलोमीटर का बीस हो गया बीस किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने में 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से एक घंटा लगेगा उसके बाद नेक्स्ट 30% डिस्टेंस उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरी करी तो 30 किलोमीटर उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया तो वहां भी उसको एक घंटा लगा और लास्ट की जो 50 किलोमीटर से वो भी उसने एक घंटे में पूरी करी तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस उसने पूरा पूरी करी पहली 20% एक घंटे में दूसरी 30% एक घंटे में तीसरी 50% 1 घंटे में टोटल उसने घंटे में सौ किलोमीटर डिस्टेंस पूरी करिए आप सिंपली सौ को तीन से डिवाइड कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर तेतीस दशमलव तीन किलोमीटर होगा हमने सौ किलोमीटर करा है आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं आप चाहे उसको फिफ्टी किलोमीटर कर लें या थाउजेंड किलोमीटर कर लें आंसर जो है वो इसमें सेम आने वाला है क्योंकि जो नंबर हमें दिया गया है वो परसेंटेजेज में दिया गया है तो उसमें उससे कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है तो क्वेश्चन कितना लंबा है उसके ऊपर ना जाए बल्कि आपने ध्यान इस बात पर देना है कि आप कितना जल्दी से जल्दी आंसर के ऊपर अराइव कर सकते हैं नेक्स्ट वाले उस पर चलते हैं तो ये इसका आंसर है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ टू फिफ्टी ये परसेंटेज का क्वेश्चन है अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस में भी हम कई बार धोखा खा जाते हैं 250, 30 750? 250 का कितना परसेंटेज तो हमें ये निकालना है बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन uh, है इसमें दो सौ पचास का कितना परसेंट सात के तीस के बराबर होगा ये इसमें क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है अब पहले हमें निकालना होगा 750 का 30 प्रतिशत कितना होगा तो परसेंटेज निकालने का सबसे आसान तो जो फॉर्मूला है वो आप जानते हैं जो नंबर है 750 आपने उसे 30 से मल्टीप्लाई करना होगा और 100 से डिवाइड करना होगा उससे भी आसान तरीका है क्योंकि इसमें दोनों ही जो 30 में एक जीरो है 750 में एक जीरो है जब आप 100 से डिवाइड करते हैं तो जीरो से दोनों जीरो उसमें हट जाते हैं आपने सीधा सीधा 75 को तीन से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आता है 225, सौ पच्चीस का 30 प्रतिशत दो एक नंबर हमारे पास निकल के आता है तो अब इसमें हमें जो क्वेश्चन है वो निकालना है कि दो सौ का कितने परसेंट होगा तो ये जो क्वेश्चन है जो आपने इसमें सॉल्व करना है 225 250 का कितने परसेंट होगा तो इसका आंसर आएगा 90 परसेंट अगर आप इसको बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर पाते हैं तो ना कि आप इसमें टाइम बचाएंगे बट आप बाकी क्वेश्चंस को भी और ज्यादा समय देने के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आपने सिंपली उसको ध्यान से पढ़ना है और ये दिमाग लगाना है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी आंसर के ऊपर आ सकते हैं आपका पर्पज क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है सही आंसर मार्क करना है तो वो वो चीज आपने इसमें ध्यान दे, देने वाली होगी अब आइए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है राहुल बोरोड फाइव थाउजेंड रुपीज एट टेन परसेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम हरी फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स तो राहुल ने हरी से पांच हजार रुपए उधार लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन परसेंट सिंपल इंटरेस्ट का इसमें दिया गया है हाउ मच मोर इंटरेस्ट ही वुड है रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज फोर्टीन परसेंट क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा हुआ है फिर से बट आपने उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है सिर्फ नंबर पे फोकस करिए आसान क्वेश्चन है ये भी पांच हजार रुपए का दस परसेंट उसने तीन साल के सिंपल इंटरेस्ट पे लिया अब उसको कितना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता अगर जो ब्याज की दर है वो चौदह परसेंट होती बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है पांच हजार रुपए का ब्याज कितना होता है दस परसेंट के हिसाब से तीन साल के लिए तो आप सिंपली देखिए पांच हजार का दस परसेंट होता है पांच सौ रुपए तीन साल के लिए उसने दिया तो उसका जो टोटल ब्याज है वो उसने पे करा अब उसमें है तो अगर 14 ये होता पांच तो हजार को जब आप फोर्टीन परसेंट निकालते हैं आप सीधा सीधा फोर्टीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेवेंटी थाउजेंड होता है सौ से डिवाइड कर देंगे सात सौ रुपए उसमें आता है तीन साल में अगर सात सौ रुपए एड करने हो तो आएगा ट्वेंटी वन हंड्रेड रुपीज अगर 14 परसेंट से वो ब्याज पे ले, दे, लेता तो उसको इक्कीस सौ रुपए देने पड़ते अभी 10 परसेंट पे लिया है तो उसको पंद्रह सौ रुपए देने पड़े हैं तो टोटल जो डिफरेंस है वो है छे सौ रुपए आंसर इसमें आता है छे सौ रुपए अगेन क्वेश्चन बड़ा लंबा इसमें लिखा हुआ है बट अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बड़ी आसानी से आप उस तक पहुंच जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का हम देख लेते हैं तो पहले हम इसको इरेज़ कर देते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आशीष लोन टेन थाउजेंड रुपीस टू तो अमित एट सिंपल इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फ्रॉम हिम आफ्टर फोर इयर्स। आशीष ने अमित को दस हजार रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे दिए और चार साल के बाद उसको तेरह हजार क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस चीज में कितना यहाँ पे अप्लाई होता है तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सबसे पहले हमें निकालना है कि उसको कितने पैसे का ब्याज मिला कितने रुपए उसको ब्याज में मिले उसके बाद जब हमें मालूम होगा कि ब्याज के पैसे मिले कितने हैं फिर हम ये निकाल पाएंगे कि कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको वो उसने ब्याज पे दिया होगा अब दस हजार रुपए उसने दिए थे तेरह हजार सौ रुपए उसको वापस मिले तो इसका मतलब उसको जो पैसे ज्यादा मिले जितने उससे दिए थे टोटल ब्याज जो उसको मिला वो मिला पैंतीस सौ रुपये चार साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सिंपल इंटरेस्ट पे दिए गए हैं तो आप चार को आप 3500 को सीधा सीधा चार से अगर डिवाइड करते हैं तो आप इस नंबर पर पहुंच जाएंगे जो कि हर साल का ब्याज कितना है पैंतीस को जब आप चार से डिवाइड करते हैं तो ये आता है आठ सौ पचहत्तर रुपए एक साल का ब्याज था आठ सौ पचहत्तर रुपए अब आपने सिंपली ये निकालना है कि दस हजार रुपए पे आठ सौ पचहत्तर रुपए ब्याज कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बनेगा दस हजार एक राउंड फिगर में है अगर आप सिर्फ ऑप्शंस की तरफ देखें एट पॉइंट टू फाइव के हिसाब से आठ सौ पच्चीस रुपए बनता है के 9.25 के हिसाब से नौ सौ बनता है 8.75 के हिसाब से आठ सौ बनता है तो हमारा आंसर है आठ सौ एकदम सिंपल तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कई बार आपने ऑप्शन की हेल्प लेनी होती है कई बार आपने जो है जो आपको डाटा दिया गया है उसकी हेल्प बेसिकली लेनी होती है पर दोनों तरीके से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ये भी सिंपल एक क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास है इसको हम इरेज कर देंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स आप ध्यान से पढ़िए द प्राइस ऑफ अ कोमोडिटी इज इज ये हिज गलती से लिखा गया है ये एक्चुअली होना चाहिए इज द प्राइस ऑफ अ कोमोडिटी इज इनक्रीज बाई थर्टी परसेंट एंड देन डिक्रीज बाय फोर्टी परसेंट वट इज नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन द प्राइस किसी वस्तु के दाम को पहले तीस परसेंट बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उसे चालीस परसेंट कम कर दिया जाता है तो आप बताइए जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज इसमें हुआ वो कितना हुआ उसके रेट में अब यहाँ पे आपने सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का है कि आपने जो उसका रेट है वो आपने अज्यूम करना होगा और जबी भी आप इस तरह की चीजें अज्यूम करें तो कोशिश करें कि वो राउंड फिगर में हो तो यहाँ पे फिर से हम अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए उस कमोडिटी का रेट सौ रुपए था अब सौ रुपए जब हमने मान लिया उसका रेट तो जब आप सौ रुपए पे तीस परसेंट बढ़ाते हैं तो सौ रुपए का तीस परसेंट कितना हो गया तीस रुपए उसमें तीस आपने ऐड कर दिया टोटल उसका रेट हो गया एक दूसरा इसमें दिया हुआ है कि जब अब अब उसने अब हमने उसपे फोर्टी परसेंट कम कर दिया एक सौ तीस रुपए रेट हो गया था हमने उसका फोर्टी परसेंट कम कर दिया तो एक सौ तीस को जब आप चार से मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट फोर से कर लीजिए एक जीरो उसका हट जाएगा तो तेरह चौका बावन बावन रुपए आपके पास आते हैं जो आपने फिर से उस पर कम कर दिए तो आपका जो ओरिजिनल uh, जो रेट हो गया था बढ़ने के बाद वो हो गया था वन थर्टी बावन रुपये आपने फिर से उस पर कम कर दिए तो एक सौ तीस में से जब आप बावन माइनस करते हैं तो आंसर आता है सेवनटी एट रुपीज अब उसका अब उसका जो दाम है फाइनली वो सेवेंटी एट रुपीज हो गया सौ रुपये था 78 एट हो गया डिस्काउंट के बाद अब ये इंक्रीज है या डिक्रीज है सबसे पहले तो दो ऑप्शन आपने इसी पे हटा देने हैं ये दोनों जो है इसके बी और सी ये दोनों इसका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों में इंक्रीज करके दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले आपने यहां से हटा दिया अब दो आंसर बचते हैं या तो 22 परसेंट दस परसेंट इसमें नहीं है क्योंकि 78 100 परसेंट का 10 परसेंट दस रुपए होता है दस रुपए कम करेंगे तो नब्बे आएगा तो इसका सही आंसर है डिक्रीज बाय 22 परसेंट बड़े सिंपल तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं या करके कोई फॉर्मूला हम इसमें नहीं लगा रहे हैं बेसिक परसेंटेज अगर आप समझते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसको हम यहां से रेज कर देते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वन शॉपकीपर ऑफर्स थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ टेन परसेंट यहाँ पे भी हमने एक ऑफ हटाना होगा टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट एंड थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट यहाँ पे भी आप सिंपली उसको एक अमाउंट एक आप एज्यूम कर लीजिए एक प्राइस अज्यूम कर लीजिए तो हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि जो उसका प्राइस है वो है सौ रुपए अगर आपने हमने ऑलरेडी इसको कई जगह एज्यूम कर चुके हैं बट ये आपकी चीजों को आसान बना देता है आप इसकी जगह पांच सौ रुपए या हजार रूपए भी एज्यूम कर सकते हैं सेम आंसर इसमें आएगा पांच सौ हजार दो सौ पचास जो भी आपको लगे आप वो एज्यूम करिए सेम आंसर इसमें आपको मिलने वाला है तो दूसरे पहली बार में हमने टेन परसेंट माइनस किया सौ रुपए का दस परसेंट होता है दस रुपये दस रुपये हमने कम कर दिए पहले डि, डिस्काउंट के बाद जो प्राइस हुआ वो हुआ, वो हुआ नब्बे रुपए दूसरा डिस्काउंट उस उन्होंने अप्लाई करा तो ये हमने नब्बे रुपए अब उसका प्राइस हो गया था उसका बीस परसेंट उन्होंने कम कर दिया अब नब्बे का बीस परसेंट आप सीधा सीधा पॉइंट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 को नाइन्टी नाइन टू नौ नौधुनी अट्ठारह होता है अट्ठारह रुपये कम हो गया नब्बे में से तो प्राइस हो गया बहत्तर रुपये दस परसेंट घटाया नब्बे रुपए हो गया फिर बीस परसेंट घटाया बहत्तर हो गया फिर हमने उसके बाद उसमें से 30% परसेंट माइनस किया अब बहत्तर का 30% परसेंट हमने माइनस करना है इसमें तो बहत्तर को आप पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई कर कर दीजिए अः सात या इक्कीस और दो या छ इक्कीस पॉइंट छ इक्कीस दशमलव छ जो नंबर है वो आपने माइनस करना है सेवेंटी टू से सेवेंटी टू में से इक्कीस दशमलव छ आपने माइनस किया तो ये आता है 50.40 तो तीनों डिस्काउंट के बाद उसका जो रेट बचता है जो प्राइस बचा फाइनली जो आपने पे करना है वो है 50.40. अब 50.40 को ये उसका प्राइस है ये डिस्काउंट नहीं है यहां पे पूछा जा रहा है कि जो व्हाट इज नेट परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस तो सौ रुपए से पचास रुपए चालीस पैसे उसका रेट हो गया उनचास रुपए छः पैसे कम हो गया है सौ रुपए का अगर उनचास पॉइंट छः परसेंटेज को निकाले तो वो सीधा सीधा उनचास दशमलव छः परसेंट बेसिकली निकल के आता है इसमें तो आपने इस तरह के क्वेश्चन में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आपने तीनों को एड कर लिया तीनों डिस्काउंट को दस परसेंट प्लस बीस परसेंट प्लस तीस परसेंट साठ हो गया सौ में से साठ माइनस कर दिया साठ परसेंट ये आंसर बिल्कुल आपका गलत होगा अगर आप इसको मार्क करेंगे क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ना है सक्सेसिव डिस्काउंट है पहले दस परसेंट दिया फिर बीस परसेंट दिया फिर तीस परसेंट दिया ऐसा नहीं है कि एक साथ ही उसने दस और बीस और तीस परसेंट साथ में दे दिया है तो ध्यान से आपने पढ़ना है उस हिसाब से आपने अटेम्प्ट करना है तीन और क्वेश्चन हम इसमें हैंडल करेंगे टोटल दस क्वेश्चन हमने इसमें कवर करे हैं अब ये फिर से से आप ध्यान पढ़िए ये रेशियोज का क्वेश्चन है इफ द मिल्क टू वॉटर रेशियो इज थ्री इज टू सेवन देन वॉट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर अगर किसी मिक्सचर में दूध और पानी की मात्रा तीन और सात के अनुपात में है उसके रेशियो में है तो पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है उसमें ये हमारा क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है इसमें फिर से आपने एक नंबर एज्यूम करना है उससे आपका चीजें बहुत सारी आसान हो जाती है और इस तरह के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं तो आपने इसमें इन दोनों का जो जोड़े अगर आप तीन और सात को तो वो आता है दस तो आपने मान लिया कि जो मिक्सचर है वो टोटल दस लीटर है पानी और दूध का जो मिक्सचर है वो दस लीटर है और उसमें तीन और सात के अनुपात में है दूध और पानी तो उसमें तीन लीटर दूध हो गया और सात लीटर पानी हो गया तो अगर आपने सात लीटर अगर पानी है दस लीटर मिक्सचर में तो बड़ा सिंपल सी बात उसमें हो जाती है कि उसकी मात्रा उसमें सेवनटी परसेंट हो जाती है फॉर्मूला लगा के भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बट फिर आपको उसमें लिखना पड़ेगा और कई सारी चीजें माननी पड़ेगी और लिखने को आप अवॉइड करना चाहेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं इसमें आप सीधा सीधा कर लीजिए आप इसको उस जो मिक्सचर है उसको आप छह लीटर भी मान सकते हैं अगेन वो नंबर पे आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ दस 10 या सौ ही एज्यूम कर रहे हैं आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं बट अगर आप राउंड फिगर में एज्यूम करेंगे तो कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको एज्यूम करने का क्वेश्चन नंबर नाइन पे हम आते हैं क्वेश्चन है इन अ बास्केट ऑफ फ्रूट बनाना इन अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स बनाना एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो ऑफ टू इज टू थ्री इज टू फाइव देन वॉट परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रूट्स ये आपका क्वेश्चन है आर नॉट बनाना ध्यान से आपने फिर से इसको पढ़ना है एक अः फलों की टोकरी है उसमें बनानास एप्पल्स और मैंगोज हैं दो तीन और पांच के अनुपात में है परसेंटेज आपने निकालना है मात्रा आपको नहीं दी गई है अनुपात दिया गया है यहाँ पे आपने फिर से अगर आप अज्यूम कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप मान लीजिए उसमें टोटल दस फल हैं क्योंकि इसमें नंबर दिया गया है वेट नहीं लिखा है ये नहीं लिखा है कि बनानास इतने दर्जन है या एप्पल इतने दर्जन है नंबर दिया गया है तो आपने मान लिया कि टोटल दस फल हैं टोकरी के अंदर इसमें दो बनानाज हैं तीन एप्पल हैं और पांच मैंगोज हैं अब क्वेश्चन है कितने परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रूट आर नॉट बनानाज़? तो जो एप्पल हैं और मैंगोज हैं आप उनको ऐड कर दीजिए उसमें दो बनाना थे और आठ एप्पल और मैंगो थे मिला के अब अगर आठ आप निकालें दस का कितने परसेंट होता है तो एट्टी परसेंट होता है तो आपका आंसर है एट्टी परसेंट नॉट बनाना बड़े घुमाने वाले बहुत ही आसान क्वेश्चन उसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो तो ये आपने सिंपली सॉल्व करना है आप इसको 20 भी मान सकते हैं मान लीजिए हमने 20 फ्रूट है उसमें टोटल फिर हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर वो रेशियो है टू टू थ्री इज टू फाइव और फिर आपने उसको Uh, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इनको इनको जब आप ऐड करते हैं तो बनाना हो गए टू बाई टेन और टोटल फ्रूट्स है तो एप्पल्स हो हो गए 10 20, हो गए एंड आप टेन मानिए बड़ी आसानी से हो जाएगा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर फॉर रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड

तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है अगर ग्यारह सौ रुपए में बेचे तो तो सबसे सब पहले हमें उसका कॉस्ट प्राइस इसमें निकालना पड़ेगा तभी आप प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे तो आपने पंद्रह सौ रुपए में बेचा है बीस परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपकी जो कॉस्ट थी वो हंड्रेड परसेंट थी बीस परसेंट आपने उसमें एड कर दिया टोटल हो गया एक तो जो 120 परसेंट है उसकी वैल्यू है 1500। आप इस चीज को समझ रहे हैं होपफुली मैं इसको जितना धीरे हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा पंद्रह रुपए जो है वो 120 परसेंट के बराबर है क्योंकि 100 परसेंट तो आपकी कॉस्ट हो गई और 20 परसेंट आपका प्रॉफिट हो गया 120 परसेंट की वैल्यू है पंद्रह रुपए अब अगर मान लीजिए हमने और हमने इसमें कॉस्ट निकालनी है कॉस्ट है हंड्रेड परसेंट परसेंट है पंद्रह सो रुपए एक परसेंट कितना होगा पंद्रह को आप 120 से डिवाइड कर दीजिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उससे आसान ये रहेगा कि आप देखिए कितना होगा तो वो आपने इसमें तो एक छोटी सी गलती इसमें बेसिकली ये है कि जो परसेंटेज है वो 25 इसमें होना चाहिए तो ये आप और भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बट फॉर्मूला सेम रहेगा आपने उसको डिवाइड करना होगा 1500 को आप 125 से डिवाइड करिए आपका जो आंसर आता है निकल के वो 6 उसमें आता है और फिर आपने कॉस्ट का प्राइस उसमें निकालना होगा 100 परसेंट वैल्यू कितनी होगी तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस उसमें निकल के आता है अगर आप पंद्रह को डिवाइड करते हो 125 से 15 सो को आपने 125 से एक्चुअली डिवाइड uh, कर दिया है और उसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ जो भी इसका आंसर इसमें आता है तो आपकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो निकल के आती है ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज आपको ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज को अगर आप पंद्रह में बेचेंगे तो आपको पच्चीस परसेंट का फायदा होता है प्राइस आपका आने के बाद फिर उसमें पूछा गया है कि अगर आप उसको ग्यारह सौ रुपए में बेचेंगे तो कितना फायदा या नुकसान होगा एक तो आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट तो आपको बिल्कुल नहीं हो सकता है तो प्रॉफिट वाला जो ऑब्जेक्टिव है जो विकल्प यहाँ दिया गया है उसको आप डायरेक्टली हटा सकते हैं ये आंसर नहीं हो सकता है इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा बारह सौ रुपए की चीज को आपने ग्यारह सौ रुपए में बेचा सौ रुपए का आपका लॉस हो गया अब सौ रुपए कर दीजिए एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट तो इट विल बी अ लॉस ऑफ एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ये आप सिंपली बिना ज्यादा कैलकुलेशन के कहीं कहीं पे आपको अगर आपको मैथ्स में बिल्कुल हैबिचुअल आप नहीं है आपको पेन और पेपर यूज करना पड़ सकता है बट कोशिश करें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी वहां से धीरे-धीरे चला जाएगा तो इस पे हम एक सीरीज लाने वाले हैं हम धीरे धीरे आपके साथ इंग्लिश जीके और बाकी क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे और इन वीडियोस को आप देखते रहिए इसपे लाइव सेशन भी आप कर सकते हैं अगर आप हमें फीडबैक दें और हमें मैसेज करके बताएं तो फुली यूजफुल रहेगा आपके लिए वील अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वेकेंसीज एंड मोर वीडियोज एस फार एज क्वेश्चन आर कंसर्न ऑन द प्रैक्टिस सेट थैंक यू